ये है मेरे पास सैमसंग का M01 कोर, और इसकी आज हम FRP करने वाले हैं पावर टूल से। किस तरीके से इसको अनलॉक करेंगे, हम टेस्ट मोड यूज़ करके इसको अनलॉक करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आप FRP करते हो कोड डाल के टेस्ट मोड का यूज़ करके, तो हो सकता है आपका ADB इनेबल हो जाए पर उसके बाद भी ADB पोर्ट डिटेक्ट ना हो, या फिर आपका ADB पोर्ट जल्दी से इनेबल ना हो। ऐसी कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत बार ट्राई करने के बाद अनलॉक भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोड डाल के मैंने सिंपल फ़ोन को कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फ़ोन लगा दिया हूँ, उसके बाद आपका जो फ़ोन है कनेक्ट हो जाएगा। डिवाइस मैनेजर पे आप यहाँ पे पोर्ट देख सकते हो, MTB पोर्ट जो है आपका बन जाएगा। पोर्ट आ जाने के बाद सिंपल पावर टूल पे आप लोगों को सैमसंग पे जाना है। सैमसंग पे आओगे तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा रीसेट FRP 2023, इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपके फ़ोन का जो ADB है उसको इनेबल कर देगा और उसके बाद FRP इरेज करेगा, पर यहाँ पे देखना ये जो है फेल हो जाएगा। ADB यहाँ पे इनेबल करेगा, ये ADB इनेबल जो है हमारा सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे ऑलवेज पे टिक करके अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ओके करोगे और पावर टूल पे ओके करोगे तो यहाँ पे देखना FRP ये इरेज नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आपको छोड़ना नहीं है, उसको 2-3 बार ट्राई करते जाना है। तो फर्स्ट टाइम में आपने देखा ADB हमारा इनेबल हो गया है। ADB इनेबल होने के बाद यहाँ पे जो है ये FRP इरेज नहीं कर पाया, फेल हो गया। उसके बाद हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं, दोबारा में देख सकते हो यहाँ पे फिर से नहीं हो पाया, इसने जो है यहाँ पे डिवाइस नॉट रिप्लाई बता दिया और चार्जिंग डिवाइस चार्जिंग स्लोली इस तरीके से हमको दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ADB हमारा तो इनेबल हो गया है, हमने पहले ही परमिशन दे दी है, तो अब हम रीसेट FRP ADB में क्लिक कर देंगे। तो ये जो ADB पोर्ट फाइंड करेगा और उस वहाँ से FRP इरेज कर देगा, पर यहाँ पे भी आप देख पाओगे सर्चिंग में नॉट फाउंड आ रहे हैं, मतलब ADB हमारा नहीं ढूंढ पाया ये। और अगर हम डिवाइस मैनेजर में देखें तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा ADB पोर्ट आया था। तो इसको जो है हम एक बार फिर से रीसेट FRP 2023 कोड वाली मेथड से फिर से करके देखते हैं ये होता है या नहीं। फिलहाल हमारे फ़ोन का जो ADB मोड है वो ऑन हो चुका है क्योंकि वो डिवाइस मैनेजर में दिखा रहा है, पर यहाँ पे जो है डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ADB यहाँ पे सक्सेस है, उसके बाद जब पोर्ट ये जो है नहीं ढूंढ पा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ADB पहले से इनेबल हो चुका है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है हमको रीसेट FRP ADB, इस पर हम क्लिक करेंगे और बिना कोई कोड डाले हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। रीसेट FRP ADB पे मैंने क्लिक कर दिया हूँ, कोई भी कोड वगैरह नहीं डला हुआ है, डायरेक्ट हम यूज़ भी लगा देंगे क्योंकि हमारा ADB पहले से इनेबल है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब देखते हैं हमारा पोर्ट यहाँ पे देख सकते हो डिटेक्ट हो चुका है और FRP भी हमारी इरेज हो जाएगी। तो अगर आपके साथ पावर टूल में इस तरीके की दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 2-4 बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। FRP यहाँ पे रीसेट हो चुकी है और हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया है डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो M01 कोर या फिर किसी अदर मॉडल की FRP। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।